हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ये दिन मंडे और 12 अक्टूबर है। सुबह से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है। कल रात को रियान को बहुत तबीयत ख़राब था, अचानक उसको फीवर आ गया और जुकाम भी लग गया था। उसका कारण ये है क्योंकि ये ना रियान कूलर के सामने सोता है और चद्दर हम लोग कंबल उड़ाते हैं उसको नहीं ओढ़ता है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग जाता है। इस वजह से उसको एकदम से फीवर आ गया और जुकाम भी लग गया। लेकिन फीवर का दवाई तो था मेरे पास, उसको दवाई पिला दिया तो फीवर नहीं अभी, लेकिन अभी तक जुकाम है उसको बहुत ज़्यादा। उसका नोज जो है ना पूरा बंद है, तो बार बार नोजी आ रहा है, तो नोजी भी मैं साफ कर दे रही हूँ, लेकिन नाक पूरा बंद है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नाक पूरा बंद रहेगा तो सांस कैसे लेगा। तो अभी मैं उसको मतलब काम वाम करने के बाद डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। और हस्बैंड भी आज ऑफिस नहीं गए हैं क्योंकि उनका भी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है। कल रात को उनको भी अचानक उनके दांत में दर्द होने लगा, बहुत तेज़ी दर्द होने लगा, इसके वजह से वो सुबह उठ नहीं पाए और सुबह तक दर्द हुआ, रात भर सो नहीं पाए। तो सुबह मैं केमिस्ट से दवाई लेके आई हूँ उनके लिए, तो दवाई अभी पिलाया मैंने, तो अभी थोड़ा सा आराम है, तो ऑफिस नहीं जा पाए हैं, अभी लेटे हुए हैं। तो अभी मैं बाकी जो काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद रियान को लेकर डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू मारने। वैसे तो मैंने सुबह भी एक बार झाड़ू मारा है, लेकिन ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर से गंदा हो गया है। तो देखिए झाड़ू मारने के बाद कितना सारा गंदगी निकला है, तो इतना सारा कूड़ा निकला है। एक ही रूम पे खाना वाना बनाने के बाद ना फिर रूम गंदा हो जाता है, और देखिए इतना सारा कूड़ा निकला है। इसे मैं झाड़ू मार के बाहर निकाल लूँगी, फिर पोछा भी लगा लूँगी। और जितने भी ब्रेकफास्ट करने के बाद बर्तन हुए हैं, वो सारे बर्तन भी मैं धो लूँगी। तो देखिए कितना सारा बर्तन हो गया है ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो सारे बर्तन को माँज के फिर धो लूँगी मैं। तो सारे बर्तन मैं बाथरूम में बैठ के ही माँजती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है हमारा किचन नहीं है, तो बाथरूम में बैठ के ही बर्तन को माँजना पड़ता है। दोनों माँ बेटे ने नहा लिया है, रियान को गर्म पानी से नहला दिया और मैंने भी नहा लिया है। और आज ना सारा काम हो गया है, अभी लंच बनाऊंगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। नहीं भैया, डॉक्टर के पास नहीं, नहीं क्या तो कैंडी कैंडी? अच्छा कैंडी खाओगे, ठीक है कैंडी देंगे अभी। हाँ चलो डॉक्टर अंकल के पास जाओगे कैंडी। तो लंच में मैं बनाऊंगी आज फिश। तो फिश को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी नमक और थोड़ा सा हल्दी, और इसमें थोड़ा सा हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल डालने से हमारा जो फिश है वो टूटता नहीं है और फूटता भी नहीं है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए फिर जाके हमें फिश डालना है, और फिश को पलट पलट करके हमें दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। तो सारे फिश को हम एक एक करके डाल देंगे। तो फिश एक साइड हमारा जब फ्राई हो गया था तो मैंने पलट दिया था, अब दूसरे साइड भी चेक कर लेंगे। तो दूसरे साइड भी हमारा फिश देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब एक एक करके फिश को हम निकाल लेंगे। तो इसी तेल में हमने फिश को फ्राई किया था, इसी तेल में हम डाल देंगे जीरा और 3 तेज़पत्ता डाल देंगे। फिर थोड़ा सा जीरा हमारा जब चटक जाए फिर इसमें हम कद्दूकस किया हुआ प्याज डाल देंगे, और प्याज को हल्का सा हम भून लेंगे। जब हल्का सा भून जाए फिर इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन, और प्याज और अदरक और लहसुन को भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चा सा स्मेल कम ना हो जाए। फिर इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, और फिर हम बेसिक से मसाले डालेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब मसाला ना जले इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसालों में से तेल ना छोड़ दे और बहुत ही अच्छा सा खुशबू ना आने लगे। तो इसमें देखिए हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था,
और मसाले हमारे देखिए बहुत ही अच्छे से भुन गया है। इसमें से देखिए ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तो पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और पानी को हम बॉईल आने तक पकाएंगे। तो देखिए हमारी ग्रेवी में बॉईल आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे फिश, और फिश डालने के बाद हमें 10 मिनट तक पकाना है। इसमें हम साथ ही साथ गर्म मसाला भी डाल देंगे और ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और 10 मिनट के बाद देखिए हमारी ग्रेवी काफ़ी हद तक सूख गई है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और 2 मिनट तक इसको फिर से हम पका लेंगे। तो हमारी फ़िश बनके भी रेडी है फ्रेंड्स। तो फिश को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया फिश बना है। तो अभी हम लोग लंच करेंगे, तो आप भी आ जाइए फ्रेंड्स हमारे साथ लंच करने। था और लंच करने के बाद रियान को नींद आ रहा था, तो रियान को मैं सुलाने गई और मुझे भी नींद आ गया उसके साथ। तो अभी हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। और रियान को वैसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस नोजी आ रहा है उसको और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो दिखा के आते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, देखते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास और रियान बहुत ही नरम पड़ गया है तबीयत खराब होने के बाद, और देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं। तो पहले हमें आते ही सैनिटाइज किया, उसके बाद फीवर माप रहे हैं। तो फीवर मापने के बाद इस काउंटर पे नंबर देते हैं। नंबर देने के बाद डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो वहां का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, सभी देखते हैं। तो दवाई लेके आ गए हैं और डॉक्टर ने बोला वैसा कुछ नहीं है, अभी वायरल फीवर भी चल रहा है और मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से सारे बच्चे को मतलब सर्दी जुकाम बुखार ये सब हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, गर्म पानी सूप वगैरह पिलाना, इससे तबीयत थोड़ी सी ठीक रहेगी, ठंड नहीं लगेगा और ठंड के वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए एंटीबायोटिक दिया था, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला के फिर अच्छे से मिला लेने को बोला था। तो एंटीबायोटिक फिर उसको दवाई अभी मैं दे रही हूँ शाम की, तो शाम को ही अभी बोला कि घर जाके ही दवाई पिला देना, तो घर आके ही मैं दवाई पिला रही हूँ उसको पहले। और रियान दवाई तो आराम से पी लेता है, लेकिन जब छोटा था ना तब दवाई नहीं पीना चाहता था, बिल्कुल नहीं पीना चाहता था। अभी तो थोड़ा समझ जाता है, दवाई पी लेता है। और फिर घर आने के बाद हस्बैंड ने बोला चाय बनाओ, तो मैं चाय बना रही हूँ। चाय के साथ मैं बनाऊँगी पॉपकॉर्न, ये बटर वाला पॉपकॉर्न है, इसमें कुछ नहीं डालना पड़ता है, सीधा आप कढ़ाई में पॉपकॉर्न डाल दीजिए और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको ढक दीजिए। आपके पॉपकॉर्न देखिए कितने अच्छे से बन रहा है और एक एक पॉपकॉर्न जो है फूट फूट अच्छे से खिल रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। देखिए सारे पॉपकॉर्न जो है फूट रहे हैं, पॉपकॉर्न और चाय बन गया है। तो अभी हम लोग चाय के साथ पॉपकॉर्न खा लेते हैं। और यान देखिए बिल्कुल नहीं खाता है, खाली इधर उधर फेंकता है, वो बदमाशी करता है। ये मेरे चाय के अंदर देखिए सारे पॉपकॉर्न डाल रहा है। तो चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे चावल और आटा भरने आ गई हूँ। तो चावल और आटा लेके आए हैं। तो चावल आटा भरने से पहले मैं डब्बे को हमेशा धो लेती हूँ, इससे क्या होता है जो डब्बा खाली हो जाता है तो डब्बा क्लीन करने में इजी हो जाता है, नहीं तो बाद में कब खाली होगा कब उसको धोएंगे। तो इससे अच्छा रहेगा कि जब सामान लेके आए वो खाली हो जाए उसको धो लो। और उसके बाद ही मैंने यहाँ पे दाल चावल और टमाटर की चटनी बना लिया था। तो आज हम लोग जल्दी जल्दी डिनर कर ले रहे हैं क्योंकि कल रात को हम लोग सो नहीं पाए थे, तो आज जल्दी सो जाएंगे। तो वीडियो को मैं आज यहीं एंड करती हूँ। तो आज की ब्लॉग अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।